नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा चैनल का नाम है डायफिट और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर आप लोग नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़िए और तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करिए। तो आप लोग को मैं क्लियर बता दूँ, मैं एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हूँ और 17-18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है मेरे को। इसके अलावा क्लिनिकल साइड में भी एक्सपीरियंस है। मैंने एम्स में काम किया है, सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने काम किया है, लेडी हार्डिंग में मैंने काम किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जिसके चैनल में जाते हैं थोड़ा सा उसके बारे में पता करने की कोशिश करिए। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि डायबेक्सी का प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, न्यूट्रलाइट कहाँ मिलेगा, क्या मैं MVA का मधुनाशिनी ले सकता हूँ। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं मुझे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ना तो मैं डायबेक्सी का कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना मैं MVA का कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना मैं किसी और कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे को फ़ोन ना करें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ। रिव्यू इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग को सही गाइडेंस दे सकूँ, एक अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने डायबेक्सी आटे के बारे में रिव्यू किया था। तो डायबेक्सी का आटा एक लो ग्लाइसेमिक आटा है, तो इसलिए मैंने वो आटे के बारे में रिव्यू किया और वो अच्छा प्रोडक्ट था तो मैंने बोला अच्छा है। MVA न्यूट्रलाइट अच्छा प्रोडक्ट है तो मैंने बोला वो प्रोडक्ट अच्छा है। MVA का मधुनाशिनी अच्छा है तो मैंने बोला वो अच्छा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के भी रिव्यू किए हैं मैंने जो अच्छा नहीं है और उसको मैंने ये बोला कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और आप लोग को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बेचता नहीं। और अगर किसी प्रोडक्ट का मैंने अच्छा रिव्यू दिया है तो इसका मतलब नहीं है कि मैं उसका एजेंट बन गया या मैं सेल करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को फ़ोन ना करें और वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ना पूछें। अगर आप लोग को मेरे से बात करना है तो मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक कंसल्टेशन देता हूँ। दोबारा से कह रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को फ़ोन ना करें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। और अभी एक कॉल आया था कुछ दिन पहले और मैंने उनको कहा कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, तो वो कह रहे थे कि नहीं, आप मुझे डायबेक्सी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए, डायबेक्सी का प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेगा, मुझे डायबेक्सी के प्रोडक्ट ही चाहिए। तो मैंने कहा, आपको डायबेक्सी का प्रोडक्ट क्यों चाहिए? तो कह रहे, नहीं, डायबेक्सी का प्रोडक्ट अच्छा है, आपने बताया अच्छा है, तो मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने बोला, आप मेरी पहले कंसल्टेशन ले लो। तो कहते हैं, नहीं, मुझे आपकी कंसल्टेशन नहीं चाहिए, मुझे डायबेक्सी का प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी प्रोडक्ट से आपकी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। डायबिटीज़ रिवर्सल एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है और इसीलिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिना कंसल्टेशन के, बिना डायबिटीज़ कोच के आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। अब काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो डायबेक्सी का आटा खुद से ही खाने लगे हैं, न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट लेने लगे हैं, MVA का मधुनाशिनी खाने लगे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबेक्सी का आटा खा रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने डायबेक्सी का आटा खाया, शुगर लेवल कम हो गया और धीरे धीरे करके फिर से उनकी शुगर लेवल बढ़ने लगी। उसके बाद जब उनकी शुगर लेवल 250-300 चला गया तब जाके वो मुझे फ़ोन करते हैं। अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती ना करें, क्योंकि डायबेक्सी के आटे में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, अच्छा खासा फैट होता है। उसकी एक कैलकुलेशन की जाती है और कैलकुलेशन के बाद आपको बताया जाता है कि आपको इतना आटा लेना है, उस आटे के साथ आपको क्या लेना है। ये सारे चीज़ कंसल्टेशन में, कोचिंग में बताया जाता है। जब तक आप डायबेक्सी आटा के साथ बाकी चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। तो इसीलिए कोचिंग और कंसल्टेशन दोनों ज़रूरी है, डायबेक्सी आटा के साथ या न्यूट्रोलाइट के साथ या फिर MVA मधुनाशिनी के साथ।
आप लोग प्लीज ये गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो टाइबेक्सी का आटा तो खा रहे, उसके बाद फिर उनको कब्जियत का शिकायत हो जाता है, उनको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको वीकनेस हो जाता है और उनकी शुगर लेवल भी बहुत हाई हो जाता है काफ़ी लोगों का। तो इसीलिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंसल्टेशन ज़रूरी है, आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको डाइबेटिक आटा ज़रूरी है या नहीं है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या एमवे का मधुनाशिनी आपको लेना चाहिए, क्या आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ आपके पूरे क्लिनिकल हिस्ट्री के बाद फिर डिसाइड किया जाता है। और दोस्तों मैं एक बार और बता दूं कि हर वीडियो के पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालता हूं, उस डिस्क्लेमर में ये लिखा जाता है कि ये वीडियो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। तो अगर मेरे वीडियो देख के अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो सकता है कि किडनी प्रॉब्लम हो या फिर लिवर डैमेज हो। अगर आपका किडनी प्रॉब्लम है या फिर लिवर डैमेज है और उस कंडीशन में आपने हाई प्रोटीन डाइट लिया या हाई फैट डाइट लिया तो फिर आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन करा के हम देखते हैं कि आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है कि नहीं, आपकी लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक है कि नहीं, और जब आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट दोनों सही होता है तभी हम ये सारे चीज़ प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए। और अगर आपने खुद से ले लिया, आपको पता ही नहीं है कि आपको फैटी लिवर है या आपको किडनी का प्रॉब्लम है और आपने ये डाइबेक्सी का आटा या एमवे का न्यूट्रलाइट प्रोटीन लेना शुरू कर दिया तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर आपको नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद होंगे। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ। अगर आप लोग मेरे को फ़ोन करते हैं तो प्लीज़ मेरा कंसल्टेशन के लिए फ़ोन करिए, ना कि किसी प्रोडक्ट के जानकारी के लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो मुझे मेरे चैनल में आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं और किसी और प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, ये सरासर गलत बात है और आप लोग प्लीज़ ये गलती ना करें। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए और वो ये गलती ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।